सिद्धार्थ मल्होत्रा 16 जनवरी को अपना 39वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बार एक्टर अपना जन्मदिन वाइफ कियारा के साथ मनाने वाले हैं। हालांकि बर्थडे को लेकर उनका प्लान क्या है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि आज सिद्धार्थ का बर्थडे है तो इस मौके पर हम आपको बताते हैं उनके कुछ अनसुने किस्से। दरअसल स्टूडेंट ऑफ द ईयर कभी भी उनकी पहली फिल्म नहीं थी। उन्हें प्रियंका चोपड़ा स्टारर फैशन से लॉन्च किया जाना था। जी हाँ, बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि सिद्धार्थ साल 2008 में ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले थे। हालांकि जब उन्हें फैशन का ऑफर मिला तो उस समय उनके पास कई बड़े मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स थे। कॉन्ट्रैक्ट और बिजी शेड्यूल के चलते सिद्धार्थ को मजबूरन फिल्म फैशन को ना कहना पड़ा था। शुरुआत में सिद्धार्थ ने अपने निजी खर्चों के लिए मॉडलिंग करनी शुरू की। बेहद लंबे वक्त तक उन्होंने बतौर मॉडल काम किया। एक्टिंग से पहले सिद्धार्थ बॉलीवुड में ट्रेनी असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया करते थे। कम ही लोग जानते होंगे कि साल 2010 में शाहरुख की फिल्म माय नेम इज खान में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने करण जौहर के साथ बतौर सह निर्देशक काम किया था। जब सिद्धार्थ माय नेम इज खान के लिए सह निर्देशक के तौर पर काम कर रहे थे तब सभी जानते थे कि वो एक्टिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ऐसे में धर्मा प्रोडक्शन ने जब अपनी अपकमिंग फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर की तैयारी शुरू की तो लोगों ने सिद्धार्थ को ऑडिशन देने की सलाह दी। धर्मा प्रोडक्शन को फिल्म के लिए नए चेहरों की तलाश थी। सिद्धार्थ ने ऑडिशन दिया और उन्हें इस फिल्म के लिए फटाफट साइन कर लिया गया। तो इस तरह सिद्धार्थ को मिला फिल्मों में पहला ब्रेक।